वेलकम टू केमिक्स यूट्यूब चैनल। देखो, आज से हम लोग जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग डिस्कस स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट जो सीरीज़ होगा वो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे रिएजेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है वो हम लोग एक करके डिस्कस करेंगे। एंड आज के जो लेक्चर का फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली नेट दिसंबर 2011 में आया था, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द क्वेश्चन इज द मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। तो ऐसा कोई डाई कार्बोनिल कंपाउंड दिया गया था एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो रिएजेंट दिया गया था दैट इज योर टू इक्विवेलेंट एलडीए। सो व्हाट इज द एलडीए? एलडीए इज अ बेस। एलडीए बेसिकली क्या होता है? एक बेस होता है, ठीक है, बल्की बेस होता है, ठीक है। ये बेसिकली एक बल्की बेस होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, एन माइनस यू हैव दिस स्ट्रक्चर एंड लिथियम प्लस, ठीक है। तो ये बेसिकली एक बल्की बेस होता है। बल्की बेस होने का एक द इम्पॉर्टेंस के ये बेसिकली लेस हिंडर साइड में अटैक करता है, ऑलवेज लेस हिंडर साइड में अटैक करता है। दैट मीन्स लेस हिंडर जो प्रोटोन होता है, एसिडिक प्रोटोन, जो लेस हिंडर एसिडिक प्रोटोन होता है उसको वो पिकअप कर लेता है, ठीक है। सो दैट्स द पॉइंट। एलडीए इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बल्की बेस। बल्की का मतलब है, देखो यू हैव सो मेनी दैट आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। ओके, नाउ द पॉइंट इज यहाँ पे अगर हम लोग दो इक्विवेलेंट एलडी यूज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज दैट इफ यू यूज एलडीए टू इक्विवेलेंट तो क्या होगा? देखो यहाँ पे भी ना, यहाँ पे एक एसिडिक प्रोटोन है, यहाँ पे भी एक एसिडिक प्रोटोन है। तो ये फर्स्ट क्या करेगा, बेसिकली एलडीए यहाँ से भी प्रोटोन ले सकता है, यहाँ से भी प्रोटोन ले सकते हैं, ठीक है। तो एट दिस केस विल गेट दिस प्रोडक्ट ओ माइनस एल आई प्लस एंड देन डबल बॉन्ड ओ माइनस एल आई प्लस बिकॉज यू हैव ए एक्सेस अमाउंट ऑफ एल डी ए। बिकॉज वन इक्विवेलेंट यहाँ से अप्रोच करेगा, अनदर इक्विवेलेंट जाके यहाँ पे अटैक करेगा। तो यहाँ से अटैक करेगा तो ऐसे करके ये बॉन्ड एनोलेट जेनरेट करेगा, ये भी ऐसे करके एनोलेट जेनरेट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखो एलाइल ब्रोमाइड है वन इक्विवेलेंट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एलाइल ब्रोमाइड का जो अप्रोच होगा, सो दिस एलाइल ब्रोमाइड इज बेसिकली योर इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस पार्ट इज बेसिकली योर एनोलेट। नाउ द पॉइंट इज जब हम लोग एलाइल ब्रोमाइड को ऐड करेंगे तो बेसिकली ये कैसे करके इस सेंटर में अटैक करेगा। सो बेसिकली ये ऐसे करके भी अटैक कर सकता है और देयर इज अनदर वे कि बेसिकली ये इफ यू कैन यूज दिस अप्रोच ये बेसिकली ऐसे डबल वन इधर जाएगा, इधर से अटैक करेगा। एंड रिमेंबर ऑलवेज ये जो ग्रीन अप्रोच है ये फेवरेबल होता है लेस हिंडर साइड से। सो एट द एंड यू विल गेट दिस प्रोडक्ट, ठीक है। एट द एंड you'll get this product, let's say you have this O minus lithium plus, you have a double bond over here, now ye basically carbonyl mein convert ho jayega OCH3 and yahan pe new bond generate ho raha hai, uske sath allyl group aa gaya, theek hai। next step ye ho gaya, this will be your A, this should be your A, theek hai। uske baad dekho is yahan pe agar hum log lithium aluminum hydride approach karenge na, yahan pe agar hum lithium aluminum hydride add karenge uske pehle kya hoga, अगर हम लिथियम एलोहाइड्राइड का ऐड करने के पहले भी देखो ये जो एनोलेट जेनरेट हुआ है ना, इजीली क्या होगा, ये बेसिकली अभी ये मीडियम से ना इजीली प्रोटॉन को ले सकता है, ठीक है। देयर इज अ हाई चांस ये मीडियम से प्रोटॉन ले सकता है। सो देयर इज अ टू अप्रोच, ये मीडियम से जो एनोलेट जेनरेट हुआ था, ठीक है, जो एनोलेट जेनरेट हुआ था वो बेसिकली कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। सो इट कैन बी योर दिस कार्बोनिल कंपाउंड एंड देन यू हैव दिस, ठीक है। सो दैट विल बी द पॉइंट। नाउ यहाँ पे अगर हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे अगर हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड कर दिए तो क्या होगा, बेसिकली देखो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैन रिड्यूस कॉरस्पॉन्डिंग योर ए स्टार एंड कीटोन, कीटोन एंड ए स्टार को कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। एल्कोहल का मतलब है बेसिकली यू विल हैव ओ माइनस एलाइल प्लस एंड देन ऑल्सो यू हैव ए CH2 O minus Li plus, तो यहाँ पे अगर हम लोग acidify कर देंगे so at the end you'll get this product OH and then यहाँ पे CH2OH, so the expected answer should be your A, so the expected answer should be your A, ठीक है। so the corresponding answer should be your A, okay। for then हम लोग next problem move करते हैं। यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन ये बेसिकली नेट जून 2011 में पूछा गया था। द मेजर प्रोडक्ट एक्स फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन एग्जिबिटेड अ स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन, न्यू वैल्यू
1765। तो ये जो वैल्यू है वो बेसिकली ना एस्टा रीजन में आता है, ये जो वैल्यू है वो बेसिकली एस्टा रीजन में आता है, ठीक है। नाउ दिस इज द आयर स्पेक्ट्रम वैल्यू एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एक्स, एक्स क्या होगा। तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन, ठीक है, ये बेसिकली ऑक्सीडेशन रिएजेंट से पूछा गया था एंड यू हैव दिस बेंजीन मॉलिक्यूल, यू हैव OH ओवर हियर, राइट, एंड वी नो दैट 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है, दिस इज योर 1 डिग्री एंड दिस इज योर 2 डिग्री एल्कोहल, एंड 1 डिग्री एल्कोहल इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड ऑक्सीडेशन, सो 1 डिग्री एल्कोहल इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड ऑक्सीडेशन दैन 2 डिग्री एल्कोहल फॉर योर ऑक्सीडेशन, वी नो दैट दिस इज द रिएक्टिविटी। नाउ यहाँ पे अगर हम लोग PCC को ऐड करेंगे ना, PCC इन DCM सॉल्वेंट, दिस इज द डाइक्लोरोमीथेन सॉल्वेंट, तो बेसिकली 1 डिग्री एल्कोहल का क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीडेशन होके कॉरस्पॉन्डिंग LDH में कन्वर्ट होगा। इमीडिएटली जब LDH जेनरेट होगा ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हाई चांस कि यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 तो यहाँ से ये ऑक्सीजन का लोन पे जाके ये LDH में अटैक कर सकते हैं, क्योंकि LDH इज वेरी रिएक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड एंड इमीडिएटली ये बेसिकली एक कॉरस्पॉन्डिंग लैक्टोल टाइप ऑफ सब्सटेट जेनरेट कर सकता है, देयर इज अ हाई चांस 5 मेंबर ऐसा कोई कंपाउंड जेनरेट हो सकता है, ठीक है। एंड देन मीडियम में तो PCC है एंड दिस एल्कोहल इज स्टिल योर 1 डिग्री एल्कोहल, राइट, दिस एल्कोहल इज स्टिल योर 1 डिग्री एल्कोहल, नाउ क्या होगा, PCC के प्रेजेंस में वो बेसिकली फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड देन यू विल गेट अ साइक्लाइज किट एल एस्टर, सो दिस इज बेसिकली एस्टर साइक्लाइज, राइट, दिस इज साइक्लिक एस्टर, सो वी कैन कॉल इट इज ए लैक्टोन, इसको हम लोग लैक्टोन भी बोल सकते हैं, सो दैट विल बी द कॉरस्पॉन्डिंग, यू कैन कॉल इट एज ए साइक्लिक एस्टर और दिस इज बेसिकली योर लैक्टोन, तो दैट विल बी द कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट। एंड ये जो एस्टर का जो कार्बोनिल का वैल्यू वो बेसिकली आ रहा है 1765 सेंटीमीटर इनवर्स, क्लियर हो गया, सो दैट विल बी द कॉरस्पॉन्डिंग आंसर। ये तो नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, दैट मीन्स ये जो एल्कोहल है वो बेसिकली इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक है, सो आंसर शुड बी योर डी होगा। नाउ ये क्वेश्चन अगर ऐसे घुमा के पूछा कि लेट्स से यू हैव अ MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड, तो मैंगनीज डाइऑक्साइड इज सेलेक्टिव फॉर एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजिशन का जो एल्कोहल होता है उसका ऑक्सीडेशन में यूज होता है, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक, तो बेसिकली ये जो एल्कोहल है ये बेसिकली योर बेंजाइलिक एल्कोहल, राइट, बेंजाइलिक एल्कोहल, बेंजाइलिक एल्कोहल। नाउ बेंजाइलिक एल्कोहल की अगर बात करें सो MnO2 के बेसिस पे ना ये केमिस्ट्री टोटली ऑपोजिट होता लाइक दिस, ठीक है, MnO2 के बेसिस में ये केमिस्ट्री कुछ ऐसा होता, ठीक है, सो द आंसर शुड बी योर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन नेट दिसंबर में आया था 2011 में, सो द एप्रोप्रिएट रिएजेंट ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो ये बेसिकली योर स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, दिस इज योर एस्टर एंड दिस इज योर COOH एसिड, दिस इज योर OH बिलो द ग्रुप एंड देन यहाँ पे मिथाइल अबव, ठीक है। नाउ इफ यू ऐड, लेट्स से इफ यू ऐड योर कॉरस्पॉन्डिंग बी, पहले हम लोग बी में फोकस करते हैं, बी में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो बेसिकली ये जो अगर हम लोग नंबरिंग कर देते हैं ना तो क्लियर हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन, तो बेसिकली 1, 2, 3, 4, 5 तो बेसिकली देखो 1 कार्बन का ये बेसिकली रिडक्शन करना है, सो बेसिकली बी क्या होगा, बी बेसिकली हम लोग को पता है जो बोरेन टाइप ऑफ सब्सटेट होते हैं, जो बोरेन टाइप ऑफ सब्सटेट होता है वो बेसिकली जो एसिड ग्रुप का रिडक्शन करता है, ठीक है, बोरेन बेसिकली क्या करते हैं ये एसिड का रिडक्शन कर लेता है, जैसे BH3 एंड देन यू कैन यूज AsMe2 और O82 इन इथर कॉम्प्लेक्स अगर हम यूज करेंगे, जैसे RCH2 से कॉरस्पॉन्डिंग RCH2OH में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये सेलेक्टिव होता है, बोरेन इज सेलेक्टिव फॉर एसिड रिडक्शन। तो यहाँ पर अगर हम लोग मान लेते हैं अगर BH3 एंड बेसिकली Me2S ये लुइस एसिड बेस अटैक होता है, राइट, बोरेन BH3 इज बेसिकली लुइस एसिड एंड दिस इज योर लुइस बेस, तो बेसिकली लुइस एसिड बेस अटैक अगर हम लोग ऐड करेंगे सो डेफिनेटली ये जो एसिड है ये बेसिकली CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, सो दैट्स द पॉइंट। एंड देन यू हैव एस्टर, इस साइड में एस्टर, एस्टर का कोई चेंजेस नहीं होता, ठीक है, एस्टर का कोई भी रिडक्शन नहीं होता है इन प्रेजेंस ऑफ बोरेन, सो दैट इज अ सेलेक्टिव रिडक्शन। उसके बाद देखो यहाँ पे कौन सा रिएजेंट है, ओके एट द एंड क्या होगा, ये बेसिकली क्या करके इमीडिएटली ये साइक्लाइज कर लेता है, ये ऐसे आएगा, ये ऊपर आएगा एंड OET निकल जाएगा, सो एट द एंड यू विल हैव दिस प्रोडक्ट ओ एंड देन दिस इज द कार्बोनिल, ये मिथाइल है एंड देन यू हैव OH, सो दैट विल बी द कॉरस्पॉन्डिंग आंसर।
अगर हम लोग तो ऑप्शन शुड बी बी शुड बी योर बोरिन, तो ए भी हो सकता है सी भी हो सकता है, लेट्स सी या फिर ए क्या हो सकता है। ए की अगर केस ए की बात करें तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 जैसे ये नंबरिंग को अगर हम लोग फॉलो करेंगे ना, यहाँ पे देखो 5 नंबर कार्बन जो है एस्टर का रिडक्शन किया गया, तो बेसिकली एस्टर का सिलेक्टिव रिडक्शन बेसिकली BH4 लिथियम बोरोहाइड्राइड इज सिलेक्टिव फॉर एस्टर, एस्टर का रिडक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, सो दैट इज द पॉइंट प्रेजेंस ऑफ एसिड, सो बेसिकली सिलेक्टिव एस्टर का रिडक्शन करता है। सो बेसिकली अगर हम लोग लिथियम बोरोहाइड्राइड यूज करेंगे ना, लिथियम बोरोहाइड्राइड यूज करते हैं, देखो ए और बी की बात करें, अगर हम सी सॉरी ए एंड सी जो ऑप्शन है यहाँ पे अगर हम लोग ए मीन्स कैपिटल ए अगर हम लोग लिथियम बोरोहाइड्राइड यूज करते तो बेसिकली ये एस्टर का रिडक्शन कर देते एंड एसिड का कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। बट अगर हम लोग यहाँ पे सी ऑप्शन का चूज नहीं करके अगर हम लोग ए का चूज करते, लेट्स से अगर हम ए चूज कर लेते ना, तो यहाँ पे क्या था लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लेट्स सी अगर हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करते ना, तो बेसिकली ये एस्टर का रिडक्शन कर देता एसिड का भी रिडक्शन कर देते, तो बेसिकली विल गेट ए CH2OH ऑल्सो विल गेट ए CH2OH, तो नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वी कैन नॉट यूज फॉर दिस रिएक्शन पर्पज। तो अगर हम लोग लिथियम बोरोहाइड्राइड यूज करेंगे तो डेफिनेटली ये फेवरेबल होता है एंड देन ये जाके यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग योर साइक्लिक ए स्टार और यू कैन से लैक्टोन जेनरेट कर रहा है, ठीक है, सो दैट वे यू गेट दिस प्रॉब्लम। तो ऐसे करके इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना था, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नेट जून 12 में आया था 2012 में। ओके क्वेश्चन कुछ ऐसा था, प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, तो यहाँ पे देखो जो पार एसिड यूज किया गया एंड दिस इज योर कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन, तो कीटोन में अगर पार एसिड यूज करेंगे तो इसका जो रिएक्शन वो बेसिकली बायर विलीगर ऑक्सीडेशन, ठीक है, सो दैट विल बी द बायर विलीगर ऑक्सीडेशन। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, लेट्स से दिस इज योर कॉरस्पॉन्डिंग तो यहाँ पे अगर हम बायोफिलिक ऑक्सीजन करेंगे तो देखो ये जो कीटोन है कीटोन का ये बेसिकली एस्टर में कन्वर्ट होगा एंड बेसिकली इसमें ये 3 डिग्री कार्बन है एंड दिस इज योर 1 डिग्री कार्बन, तो बेसिकली 3 डिग्री कार्बन का जो माइग्रेटिंग एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू 1 डिग्री, तो जो कॉम्पाउंड में जो एस्टर बनेगा वहाँ पे इस कार्बन का माइग्रेशन होगा एंड देन ये जो सी एंड सी बॉन्ड है, ठीक है, ये जो सी सी कार्बोनिल का सी एंड ये जो 3 डिग्री जो कार्बन का जो सी है इसके बीच एक ऑक्सीजन आ जाता है, ठीक है, सो definitely you will get this product for the first, ठीक है, ये first region अगर हम लोग इसको फॉलो करेंगे, क्लियर हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे वहाँ पे देखो नेक्स्ट जो रिएजेंट है दैट इज योर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एस्टर का रिडक्शन कर देता है, एस्टर का रिडक्शन कैसे करता है, यहाँ पे अटैक करेगा ये ओपन कर देगा, तो देखो ये बेसिकली क्या होगा, यू विल हैव दिस ओ दिस विल बी ओ, ठीक है, OH एंड देन हाइड्रोजन एंड देन ये ऐसे आके इसको ओपन कर देगा, दिस विल बी मिथाइल, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, देर से यू हैव दिस ओ माइनस एंड OH लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे मिथाइल है एंड यहाँ पे यू हैव अ एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड अगेन इसका रिडक्शन हो जाएगा, तो फाइनली यू विल गेट दिस प्रोडक्ट, यहाँ पे मिथाइल आ गया, यहाँ पे OH आ गया एंड देन CH2OH, तो ये जो रिएक्शन यहाँ पे अगर हम नंबरिंग कर देंगे ना तो ये और भी इजी हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो इसका देखो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ठीक है, तो 2 नंबर कार्बन जो है दिस इज 1 2 3 4 5, तो 2 नंबर कार्बन में मिथाइल इज अबव द प्लेन एंड ये जो OH है ना, ये जो 2 बॉन्ड है देखो OH और ये सेम साइड में है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन अबव द प्लेन, सो वी कैन राइट हाइड्रोजन अबव द प्लेन 5 नंबर कार्बन एंड दिस CH2OH इज बिलो द प्लेन एंड 2 नंबर कार्बन में जो OH है वो भी बिलो द प्लेन, सो द एक्सपेक्टेड आंसर शुड बी योर बी, क्लियर हो गया। ऐसे करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट प्रॉब्लम में मूव करते ए बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, तो सेलेनियम ऑक्साइड जो है ये बेसिकली क्या करते हैं ना, सेलेनियम ऑक्साइड का जो रिएजेंट है मैंने इसके ऊपर भी वीडियो अपलोड किया था, सेलेनियम ऑक्साइड बेसिकली क्या करते हैं, जो लाइक डबल बॉन्ड होता है ना, डबल बॉन्ड का जो नेक्स्ट वाला कार्बन होता है या फिर अगर दो एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन रहता है CH2 रहता है ना, तो ये बेसिकली क्या करता है ना, ये डबल बॉन्ड का जो CH2 है इसको ये ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीडाइज करके कॉरस्पॉन्डिंग जैसे एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, सो दैट्स द बेसिक पॉइंट। अगेन ये एल्कोहल फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है,
सो दैट द पॉइंट. सेलेनियम डाइऑक्साइड बेसिकली जो एलाइलिक सी एच एटलीस्ट दो हाइड्रोजन एटलीस्ट, ठीक है, द पॉइंट इज एटलीस्ट टू हाइड्रोजन प्रेजेंस होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट दो हाइड्रोजन, क्योंकि उसके मेकानिज्म में दो हाइड्रोजन का इन्वॉल्व रहता है. तो बेसिकली ये जो मॉलिक्यूल यहाँ पे दिया गया था, इसको मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करूँ, देखो ये पे, ठीक है. नाउ देयर इज ए मेनी पॉसिबिलिटी, देयर इज ए दिस इज ऑल्सो सी एच टू, दिस इज ऑल्सो सी एच टू एच, दिस इज ऑल्सो सी एच टू एच, यहाँ पे भी सी एच टू एच है ना. सी एच थ्री का मतलब क्या है, वी कैन राइट लाइक ए सी एच टू एच, दिस इज सी एच थ्री, सो दिस इज अ सी एच टू एच. तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी दोनों हाइड्रोजन है, तो देर इज अ थ्री पॉसिबिलिटी. नाउ देर इज अ थ्री पॉसिबिलिटी कि तीनों साइड में रिएक्शन हो सकते हैं, बट देर इज अ रूल. ये बेसिकली जो रिएक्शन का जो यहाँ पे जो रिएक्शन होता है, जो प्रोडक्ट बनता है, वो बेसिकली मोर सब्सटीट्यूट में रिएक्शन होता है. मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन साइड में अटैक करेगा, दैट मीन ये जो कार्बन है ये मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन है, क्योंकि ये जो वाला कार्बन यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ना, तो ये साइड लेस सब्सटीट्यूट है, ये जो साइड है ये बेसिकली लेस सब्सटीट्यूट है. मैं एक्सप्रेस कर देता हूँ, ये साइड बेसिकली योर लेस सब्सटीट्यूट, सो ये जो साइड है ये बेसिकली मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन है, ठीक है, मोर सब्सटीट्यूटेड. नाउ जिस साइड में मोर सब्सटीट्यूटेड एंड ई सेलेक्टिव, दैट्स द पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर. ये सेलेनियम ऑक्साइड डाइऑक्साइड की केमिस्ट्री बेसिकली मोर सब्सटीट्यूटेड ई सेलेक्टिव साइड में रिएक्शन करता है. तो ये बेसिकली यहाँ से अगर प्रोडक्ट बनेगा, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा या फिर जो एल्डिहाइड बनेगा, दैट विल बी ई विद रिस्पेक्ट टू दिस डबल बॉन्ड, या फिर अगर एल्डिहाइड बन रहा है ना, सो दैट विल बी योर ई, ठीक है. अगर इस साइड में रिएक्ट, अगर ये बेसिकली ये जो मिथाइल है ना यहाँ पे अगर रिएक्ट करता है ना, जैसे लेट्स से यू हैव दिस, तो देन यू हैव दिस 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 डबल बॉन्ड, एंड अगर इस साइड में रिएक्ट करता है ना, देन सी यू हैव दिस प्रोडक्ट, बेसिकली यहाँ पे एल्डिहाइड का प्रायोरिटी ज्यादा है, या फिर इसका प्रायोरिटी ज्यादा है, सो दैट्स अ जेड एंड दैट विल बी ई, क्योंकि डबल बॉन्ड के रेस में भी इसका प्रायोरिटी ज्यादा है, इसका प्रायोरिटी ज्यादा है, सो दैट्स ई. तो ऑलवेज ई बनता है, ठीक है, जेड नहीं बनता है, रिमेंबर दैट. सो आंसर शुड बी दिस, सो एक्सपेक्टेड आंसर शुड बी दिस एंड दिस, ओके. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो अनदर रीजन, एक्वास सोडियम साइनेट एंड देन एमिनो. तो एक्वास सोडियम साइनेट का रोल क्या हुआ, ये बेसिकली साइनेट माइनस है, साइनेट माइनस क्या करके देखो, इसका सिंपल केमिस्ट्री है, ये साइनेट माइनस क्या करेगा, ये एल्डिहाइड में अटैक करके या फिर इसका ओएच बना के रख देगा, ठीक है. ये जो साइनेट है ना, ये जाके ये एल्डिहाइड में अटैक करेगा, सिंपल. उसके बाद ये जो अल्कोहल, लुक एट दिस अल्कोहल, दिस इज योर दिस अल्कोहल इज बेसिकली योर एलाइलिक अल्कोहल, राइट, विद रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड, दिस इज ऑल्सो योर एलाइलिक अल्कोहल. तो यहाँ पे अगर MnO2 है, MnO2 इज बेसिकली वेरी सेलेक्टिव फॉर द एलाइलिक अल्कोहल. तो MnO2 अगर ऐड करेंगे तो MnO2 क्या करेगा, ये जो एलाइलिक अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन कर देगा, जैसे CO, ठीक है. उसके बाद सो दिस इज MnO2 इज सेलेक्टिव फॉर एलाइलिक अल्कोहल ऑक्सीडेशन, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है. जैसे ये है अल्कोहल, सॉरी, ठीक है, जैसे यू हैव दिस टाइप ऑफ अल्कोहल CH2COH. तो MnO2 क्या करता है, ये बेसिकली ये जो अल्कोहल है ये बेसिकली इसका कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में कन्वर्ट, ठीक है. सो दैट्स द पॉइंट. नाउ इस केस में ये अल्कोहल बेसिकली 2 डिग्री अल्कोहल था, तो बेसिकली ये कीटोन में कन्वर्ट हुआ, ओके. नाउ यहाँ पे देखो आइसोप्रोपानॉल दिया गया एंड डाई मिथाइल एमीन. तो बेसिकली यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस डाई आइसोप्रोपानॉल इज बेसिकली योर सॉल्वेंट, इज इन दिस रिएक्शन दिस योर सॉल्वेंट, एंड देन यू हैव ए डाई मिथाइल एमीन. डाइमिथाइल एमीन ये बेसिकली न्यूक्लोफाइल के तौर पे काम करेगा, बिकॉज नाइट्रोजन का जो न्यूक्लोफिलिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो कम है इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन. तो बेसिकली नाइट्रोजन ही यहाँ पे न्यूक्लोफाइल के तौर पे काम करेगा एंड सीएन को रिमूव कर देगा. सो एट दी एंड यू गेट दिस प्रोडक्ट. ऑक्सीजन यहाँ पे ये जो आइसोप्रोपानॉल का ऑक्सीजन, वो न्यूक्लोफाइल उतना स्ट्रांग यहाँ पे रिएक्ट नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है. सो आंसर शुड बी दिस नॉट दिस, सो आंसर शुड बी डी होगा. तो ऐसे करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था. हम लोग धीरे धीरे और भी काफ़ी सारे रिलीजन के ऊपर वीडियो अपलोड करेंगे, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि रेगुलर एटलीस्ट दो वीडियो अपलोड हो जाए. आई होप ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है फॉर योर अपकमिंग नीट. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.